नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 4 सितंबर 2020। 4 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानकारी बनेगी, अच्छे से चर्चा करेंगे। हमें यह भी आशा है कि हमारे पूरे सुशील परिवार को इंडिया का, वर्ल्ड का मैप तो दीवार पर लगा रखा है ना, डूड एंड डाई कर रखा है पहले से ही, करना है या फिर मरना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है दो चार दिन से ये करंट वाली क्लास लेट हो रही है। मैं कोशिश भैया दिनों दिन कर रहा हूँ कि ये टाइम पर आ जाए। ऐसी कुछ समस्या है कि बायोलॉजी की क्लास में भैया ज़्यादा बहुत लोड करना पड़ता है, धमाकेदार तरीके से चल रही है। आइए सर, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जरूरी सूचना में मित्रों को इन्वाइट कर दें। भैया ऑपरेशन कोशिका का बताओ मित्रों, थम्स अप करके सभी मित्रों को, कैसा किया ऑपरेशन हमने कोशिका का? क्या भैया चौथा पार्ट चल रहा है, कोई इतना डिटेल में फ्री में पैसा दे करके कहीं पर भी पढ़ा देना, हमें भी कमेंट कर देना। आज हम पढ़ाएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। आज हम ये भी पढ़ाएंगे कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। ये क्लास मंडे टू थर्सडे चलती है भैया, 4 दिन की क्लास है, 3 दिन हम भी आराम से भैया आपके लिए डाटा बनाएंगे। सोमवार को आएंगे कोशिका विभाजन लेकर के, धमाकेदार तरीके से वीडियो भी दिखाएंगे, पिक्चर भी दिखाएंगे। ये शब्द लिख दिया है ना, फुल वीडियो, तो वीडियो भी दिखाते हैं। मित्र हमारे बता देंगे कि हाँ सर, ये काम बिल्कुल अच्छे तरीका से करते हैं। आइए सर, 7 बजे हम रोचक काम करते हैं कि हम जो कोशिका पढ़ रहे हैं इसका हम सोमवार से टेस्ट शुरू करेंगे बायोलॉजी का। ये भैया 3 दिन में हम पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। मुझे ये भी बता देना, थोड़े ही टॉपिक रह गए हैं ज्योग्राफी के भैया, उन्हें हम 2-4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। फिर हम बायोलॉजी का टेस्ट 7 बजे लगाया करेंगे, 8 बजे पढ़ाया करेंगे। आइए सर, आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने पबजी के साथ कितने चाइनीज ऐप पर भैया लगा दिए रोक। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए भैया, ये तो पबजी वाला गेम तो दुनिया जानती है, इसे कौन नहीं जानता है। मुझे पता है कि सारे मित्र पबजी जानते हैं, भैया मैंने आज तक तो देखा नहीं है। मैंने एक बार ऐसा इंटरेस्टिंग किया कि ये पबजी होता क्या है, तो उसमें तो ऐसे ही बंदूक लेकर के ढूंढते रहो किसे मारना है। अरे भाई पागल हो, विद्वान साथी हो, आप तो पढ़ने वाले हो, क्यों उसे भैया पागल की तरीका से ढूंढ रहे हो मारने के लिए, दिखाई भी देता नहीं है, पता नहीं कैसे होता है ये। भैया ये है पबजी, पबजी तो भैया माइंड को खा जाता है, दिन दिन लगे रहते हो, रात रात लगे रहते हो, बिना खाना खाए पिए इतना पढ़ लोगे ना तो आप बिल्कुल आप भैया सरकारी जॉब में चले जाएंगे। 118 पर कर दिया है टोटल, 224 पर प्रतिबंध लग चुका है, 100 का और प्लान चल रहा है, क्योंकि ड्रैगन बहुत ज़्यादा हरकत कर रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा साथ तो भैया आपको पता होना चाहिए माइक पोम्पियो, जो भैया अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है अमेरिका साथ है आपके, इंडिया के साथ है, जापान साथ है, ऑस्ट्रेलिया साथ है, और गजब की बात बताएं दक्षिण कोरिया भी चाइना का साथ छोड़ना चाह रहा है। आइए सर, चाइना की बात कर रहे हैं तो बता दें कहां पर है ये भैया ड्रैगन। इंडिया से मेरे प्यारे मित्रों मैप को पॉज करके एक बार आग लगाया करो धुआंधार तरीके से। भैया ये वाला इंडिया, इंडिया से ऊपर नेपाल दद्दा मिल जाते हैं, नेपाल दद्दा से ऊपर ये चाइना ड्रैगन है, मंगोलिया है, रसिया के व्लादिमीर पुतिन को 36 वाला आंकड़ा दुनिया जानती है। इधर आएंगे तो कल ही पढ़ा था रसिया में, बताइए कौन सी एक वो थी, संघाई कॉरपोरेशन CSO पढ़ा था आपको, मैंने बताया था मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तान याद कर लिए ना तो आपका काम सेट हो जाएगा। ये कैस्पियन सागर किन किन देशों से सीमा लगाता है कमेंट बॉक्स में बता देना भैया। आज का आंसर क्वेश्चन, बढ़ जाएं आगे। लंदन में मेमोरियल पट्टिका सम्मान पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। यहाँ पर जैसे आपके घर पर पट्टिका लगती है ना, इस तरीका से ब्लू कलर की जो पट्टिका भैया होती है, ये बहुत ही बड़ा सम्मान है। नूर इनायत खान नाम याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये भैया पट्टिका लगी है इनकी, नूर इनायत खान की, ये भैया भारतीय मूल की थी मेरे प्यारे मित्रों, इतना याद कर लेना, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इतना। और लंदन के बारे में तो हमारे प्यारे साथियों को पहले से ही पता है भैया, ये इंग्लिश चैनल है, इसी इंग्लिश चैनल से भैया नीचे से आराम से रेल निकलती है, पता होना चाहिए, वो इंग्लैंड को बेल्जियम से जाती है। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी भैया जल संधि है। मेरे प्यारे मित्रों, ये वेल्स, इंग्लैंड और इनको मिलाते हैं तो ब्रिटेन कहते हैं, इन सबको मिला लेते हैं, स्कॉट और ये नॉर्थ आयरलैंड, इसको सबको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। बढ़े आगे, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में कितने गिरावट आई है अप्रैल से जून की बताई गई है।
आपको बताया था मैंने 23.9% आई है। क्या होती है सर जीडीपी? हमने कहा गजब ही बात कर दी भैया, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं जीडीपी को। सर कैसे निकाली जाती है? हमने कहा भैया जितना आप कंज्यूमर एक्सपेंस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसका फॉर्मूला होता है। किसी दिन भैया डिटेल में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, हम जीडीपी के बारे में आपको निकालना सिखाएंगे। इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट होता है, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट, इन दोनों को घटा दिया जाता है, और कितना हमने भैया कंज्यूम किया, कितना इंडस्ट्री ने किया, कितना गवर्नमेंट ने किया, सब जोड़ करके गुणा घटाव करके भैया जीडीपी निकाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये पता होना चाहिए, ये जो जीडीपी है ना 23.9%, ये भैया इतना ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों ये भी पता होना चाहिए, कृषि की सिर्फ पॉजिटिव आई है, सब नेगेटिव गड्ढा में ले गई है। बताइए ये किसान के बेटे हैं, आग लगाना भी जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये पसीना बहाना जानते हैं, आपकी तरीका से एसी में रहना नहीं जानते हैं। ये बात ध्यान रख लेना चाहिए जीडीपी के बारे में भैया, ये फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। जब सर्विस होती है हमारा, जो हम उत्पाद करते हैं, इसकी यदि वृद्धि हो जाती है उसे ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये डिटेल का टॉपिक है इकोनॉमी का भैया, उसी में चर्चा करेंगे। आइए सर किस देश की कितनी जीडीपी है देखना। सारे देश ऐसे कोरोना पेंडेमिक में बिल्कुल माइनस में जा रहे हैं। आप देखिए यूएसए माइनस के 9.1% है, जापान माइनस के 9.9% है, जर्मनी भैया इतना है, कनाडा देखिए, इटली देखिए, फ्रांस देखिए, यूके देखिए, इंडिया देखिए, सबसे ज़्यादा इंडिया है। मेरे प्यारे मित्रों इसी में, इस कोरोना पेंडेमिक में, ये ड्रैगन पॉजिटिव में है, समझिए ये ड्रैगन की चालाकी क्या है मेरे प्यारे मित्रों। आइए सर बढ़ते हैं। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों याद रहना चाहिए, भारत और रूस को, दोनों को किया गया है। सुई ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लेना चाहिए। ये रसिया और इंडिया दोनों संयुक्त रूप से विजेता बने हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? भैया 30% का कर दिया है कोरोना पेंडेमिक की वजह से, कि हम ये 30% अपना सिलेबस घटाते हैं। कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, आइए चर्चा कर देते हैं। याद रख लेना, मैंने कल ही बताया था ऊपर कौन सी नदी बहती है, सिंधु। इधर भैया यहाँ से ही मानसरोवर से निकलती है सतलज, इसके बीच में पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर, ये पंजाब हिमाचल प्रदेश में फैलता है, यही सतलज नदी। याद रख लेना मित्रों, ध्यान से समझ लेना, यही सतलज नदी के बाद यहाँ पर, इस जगह पर जहाँ पर उत्तराखंड नेपाल से सीमा लगाता है, उस जगह पर काला पानी है। आपने पता होगा नेपाल के साथ काला पानी का विवाद चल रहा था ना, काला पानी का विवाद, और ये सतलज के बीच में कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय मेरे प्यारे साथियों उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी नंदा देवी है, ये बात ध्यान रख लेना। पंजाब किससे सीमा लगाता है? उत्तर प्रदेश से भी लगाता है, उत्तराखंड से भी, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख से भी लगाता है। आइए हिमाचल प्रदेश पर चलते हैं, राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68। बताइए मेरे प्यारे साथियों, मैंने डिटेल में चर्चा बताई कि नहीं राष्ट्रीय उद्यान? मैंने यह भी आपसे वादा किया था जब भी कोई स्टेट आती है हम राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं, ग्रेट हिमालय, इंद्रिला, खिरगंगा, सिंबलवारा, लिख लो भैया, ग्रेट हिमालय, इंद्रिला, खिरगंगा, सिंबलवारा हिमाचल प्रदेश के हैं। बड़े सर आगे, हाल ही में दक्षिण पेंगोंग में नाकाम होने के बाद चाइना ने किस जगह की सीमा पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं? मेरे प्यारे साथियों ध्यान रख लेना चाहिए आपको, जब मैंने कल ये सवाल कराया था दक्षिण पेंगोंग लेक पढ़ाई थी, कहां पर स्थित है द्वारा बताएं, सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी आती है गुरुदेव। हमने कहा हाँ काराकोरम श्रेणी में K2 स्थित है, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा इसी काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी है, इसी काराकोरम में बलतोड़ा हिमनद स्थित है, ये बताया था कि नहीं, बताइए थम्स अप करिए मेरे प्यारे साथियों। इसी के नीचे हमने लद्दाख श्रेणी भी बताई थी कि भैया काराकोरम के बाद लद्दाख आती है, इसी लद्दाख में भैया दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली राकपोशी स्थित है। मैंने यह भी बताया था काराकोरम और लद्दाख श्रेणी में ही स्थित कौन सी है भैया,
पेंगोंग लेक स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, बता देना चाहिए आपको ये बात, तो मैंने कल ही बताई थी, चर्चा की थी। अब हुआ क्या था, मैंने चुसूल नाम से एक स्थान बताया था, याद रख लेना चाहिए। चुसूल एक मैदानी सा क्षेत्र है थोड़ा बहुत, यहाँ से सेना जब बमबारी करती है तो आराम से काम कर लेती है। इसी चुसूल पर अधिकार करने के लिए चाइना ने आकर के कैमरा लगाए थे, किस वजह से कि भारत की सेना क्या काम कर रही है, आकर के लद्दाख को हड़पने का काम करना चाह रहा था। क्योंकि भैया अभी चाइना की चारों तरफ दुनिया में किरकिरी हो रखी है, अब उसे भैया कुछ दिखाना है कि हम में भी है दम, हम कर देंगे कुछ भैया काम अच्छा सा। इस वजह से मेरे प्यारे मित्रों, तो ये भड़क रहा है, उधर भी जाता, देखिए साउथ चाइना सी में भी जाता है चाइना, इधर भैया इधर दक्षिण पेंगोंग में आया, कभी लद्दाख में ये गलवान घाटी पर जाता है। अब आज क्या हुआ है पता है ना आपको, पेपर पढ़ा हो, ये वहाँ दक्षिण पेंगोंग में से हमने टाट टप्पड़ इसके उखाड़ करके फेंक दिए, जैसे ये उखाड़ा तो इसकी और ज़्यादा किरकिरी हो गई। भैया चाइना भी जानता है इसके साथ, भैया चाइना अच्छे से जानता है इंडिया से ऐसे दाल नहीं गलने वाली है। इसने वहां पर हमारा ध्यान लगा तब तक इसने गजब ही काम कर दिया। इसने भैया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 12 किलोमीटर उधर भैया नेपाल साइड में, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना चाहिए, 12 से 20 किलोमीटर के समथिंग है दूरी, वहां पर जाकर के एक मैदान है पाला मैदान। पाला मैदान में 2002 से 2003 में एक समझौता ऐसा ही हुआ था जब झगड़ा हुआ था चाइना के साथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रख लेना चाहिए, पाला मैदान से पिथौरागढ़ जिले में एंट्री करना चाहता है। कैलाश मानसरोवर पर तो इसने भैया मिसाइलें गाड़ दी हैं, याद रख लेना चाहिए उसी के आसपास में, क्योंकि नेपाल को इसने खरीद लिया है, नेपाल के तो बहुत सारे जिला इसने ले लिए, नेपाल ये सारी जगह पर इंडिया को घेरने का ही काम कर रहा है। पर इंडिया भी जानता है इस चीज़ को कि चाइना कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है, ये धोखेबाज है बहुत बड़ा। इंडिया ने भैया यहाँ पर भी अपनी पूरा नेपाल बॉर्डर वाली सीमा को लॉक कर दिया है, सेना लगा दी है कि आजा भैया तुझमें दम है तो कहीं से भी दाग दे, चैलेंज खुला है तेरे लिए, जब भी तेरी हिम्मत करे तो दाग करके दिखा दे, गोली भी दाग दे चल। भैया उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, यहां से सवाल ना आए तो गारंटी है इस बात की। देखिए सब नाम, चुसूल नाम, पाला मैदान, पिथौरागढ़, काला पानी, लिंपिया धुरा, गलवान रीजन, दौलतबेग ओल्डी, ये सब पता होना चाहिए। फिंगर एट क्या होती है, काराकोरम क्या होता है, केटू क्या होता है, लद्दाख क्या होता है, सवाल यहीं से घुमा घुमा करके करंट में पूछे जाएं। क्यों? एग्जामिनर जानता है कि बंदा हमारी सीमा के लिए, हमारी देश के लिए, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए इसे नौकरी में ला करके ले रहे हैं ना हम, ये क्या सोच रहा है, कहीं इसकी सोच है कि नहीं। देखिए ये सवालों का ट्रेंड कहाँ से बन सकते, आप जब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा ना तो आपका भी माइंड बहुत ग्रो करने लगेगा, ऐसी मुझे आशा है सर। उत्तराखंड में ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आइए हम उत्तराखंड दिखाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है पिथौरागढ़, याद कर लेना पिथौरागढ़ भैया ये है। इधर क्या दिख रहा है, नेपाल बाबा दिख रहे हैं अपने, नेपाल जो दद्दा है यही पिथौरागढ़ है। यहां से ही भैया इधर नेपाल की साइड में 12 से 20 लगभग किलोमीटर में पाल मैदान है, पाला मैदान बोलते हैं, यहीं पर आकर के इसने अपना सैन्य बेस बना दिया है। हम भी भैया पूरी नेपाल वाली बॉर्डर सीमा लॉक कर दी है हमने, बिल्कुल काम कर दिया है। याद करिए ये चमोली जहाँ से चिपको आंदोलन शुरू किया गया था मेरे प्यारे साथियों, कौन से बहुगड़ा थे बताओ, ये कौन से नाम बताए थे मैंने, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन सीख कहाँ से ली थी आपको याद होगा, अमृता देवी बिश्नोई, कहाँ पर थी भैया अमृता देवी बिश्नोई, खेजड़ी, खेजड़ी याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, यही उत्तरकाशी है, यही भैया इसी पिथौरागढ़ जिले में बताया था, मुनस्यारी जिला, मुनस्यारी मेरे प्यारे साथियों, मुनस्यारी में क्या बनाया था, लाइकेन पार्क बनाया था, याद रख लेना। ये हरिद्वार है, जिला याद कर लो जो भी याद हो तो, ये वाला हरिद्वार है, हरिद्वार भैया याद करो, ये चमोली मैंने याद कराई दिया आपको, और कौन कौन सा भैया याद कर लेना चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सब पढ़ लेना एक बार, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस वजह से मैं बता रहा हूँ। भैया हरिद्वार यहाँ पर है, नैनीताल देखिए, नैनीताल घूमने जाते हैं, यहाँ पर नैनीताल है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ जाएं आगे बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू कर दिया, भैया ये हमारे जो चाचा है ना शिवराज, ये तो गजब ही काम कर देते हैं, हमने कहा इन्हें तो पता नहीं भाई क्या क्या है, गंदगी छोड़ो अभियान चला दिया, हमने कहा ये तो कोई अच्छा काम कर दिया, 15 दिन तक चलेगा इनका गंदगी अभियान। भैया मध्य प्रदेश तो भैया वैसे भी इसका वो इंदौर वाला नंबर पहले पर आ जाता है, हमने कहा तो ये ऐसा कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश को शायद लेकर के आए। याद करिए मध्य प्रदेश से क्या क्या याद है भैया आपको,
मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पहली बात तो ये मध्य में स्थित है, इस वजह से गुरुदेव इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। हमने कहा गजबी बात बताई, ये भोपाल इसकी राजधानी है। हमने कहा वीडियो को थोड़ा पॉज करो और सारे देश ये राज्यों को पढ़ो। पहले सबसे पहले तो आप जो हमने नदियों के आधार पर हिमालय बताया ना, उसको याद करिए जरा, उसे आप बहुत ज्यादा भूलते हैं। कल भी दो दिन से मैं बता रहा हूँ, फिर भी आंसर नहीं देते हैं। ये बाला भैया क्यों याद नहीं कर पाते, आप बताओ। ये नेपाल है, आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये उत्तराखंड भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर ही काली नदी बहती है, याद रखिए, यही तो विवाद था थोड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यही तो पंजाब है, यहाँ से सतलज नदी बहती है, यही तो ऊपर सिंधु नदी बहती है। अब गजबी काम है भैया, आप भूल जाते हो, सतलज काली के मद्दी तो उत्तराखंड वाला कुमाऊं हिमालय, इसी की तो नंदा देवी है। जब ये काली है फिर ये नेपाली तो हिमालय आएगा, सिक्किम में पहले से तीस्ता पड़ रखा है, तो किन नदियों के मध्य हो गया भैया नेपाल, काली और तीस्ता के मध्य। इधर असम है भैया ब्रह्मपुत्र, हमने पूछा असम हिमालय बता देना, तो आप बता देना गुरुदेव तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य। एक बार मैप पर तो काम करके देखें, हमें कैसे याद रहता है, सर ऐसे ही तो याद रहता है। मेरे प्यारे साथियों, ये राजस्थान से सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश गुजरात से लगाता है, महाराष्ट्र से लगाता है, इधर छत्तीसगढ़ से लगाता है, कितने राज्यों से सीमा लगाता है ये पूछा गया था, तो 5 राज्यों से लगाता है। यहाँ भोज ताल एक बहुत ज्यादा फेमस है। आइए सर मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं, राजधानी भोपाल, राज्यपाल लालजी टंडन थे, उनका निधन होने के बाद आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, बताओ थम सब करिए, अभी हिमाचल आया था तब उसके बताए थे, अब ये आया है। पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, काना, माधव, दिनसौर, जीवाश्म, प्रियदर्शनी, प्रसिद्ध बांध क्या है भैया, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो यमुना की सहायक है, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। आइए सर आगे बढ़ जाते हैं, क्या करंट में है, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, महिलाएं जो मास्क बनाएगी ना, किल कोरोना अभियान चलाएंगे, रोको टोको अभियान, उसमें महिलाएं ये मास्क बनाएंगी, वो बांटे जाएंगे। संकल्प योजना, उमरिया जिले में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर यहाँ पर है। रेडियो स्कूल की योजना, झबुआ जिले में दीदी बांध सेवा शुरू की गई थी, महिला जो प्रेग्नेंट होती है उनको सहायता देने के लिए। पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य जहाँ कोरोना का बाद मिड डे मील, चरण पादुका भैया चप्पल जूता यहीं बांटे गए थे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थी जब ये बने थे। किल कोरोना अभियान चलाया गया था, हमारा घर हमारा विद्यालय बताओ, याद करिए। रोको टोको अभियान, जो मास्क महिलाएं बना रही हैं जीवन शक्ति योजना में, उसे 20 रुपए से भैया बांटा जाएगा। टॉप पेरेंट ऐप भी चलाया गया था स्टूडेंटों के लिए। मेरे प्यारे साथियों, क्या है मध्य प्रदेश में, एक मैप को दिखाते हैं हम धुआंधार तरीके से। मैं कल ही ये बात बता रहा था आपसे, क्योंकि आप भूलते हैं इस मैप को, जब भी मध्य प्रदेश आएगा मैं बताऊंगा, देखना ध्यान से। अब इस वीडियो को जितना पॉज करके आप पढ़ेंगे ना, आपका भैया मेरा सेशन तो लेट होता है बट आपको ज्ञान तो जरूर प्राप्ति होती होगी ज्ञान की भैया। नर्मदा नदी कहाँ पर है, याद कर लो इतना भैया। मेरे प्यारे साथियों, ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा देखिए कितने टावर बने हुए हैं इसमें, जरा दिख रहा हो तो आपको, सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा नदी बहती है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। मेरे प्यारे साथियों, पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी श्रेणी आती है, तो आंसर सतपुड़ा होगा। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी श्रेणी आती है, तो विंध्याचल श्रेणी आती है। सवाल पूछा जाता है दक्षिण भारत और भैया मध्य भारत, पूरे उत्तर भारत को कौन अलग करता है, तो आंसर विंध्याचल पर्वत होगा। द्वारा सुने, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी श्रेणी अलग करती है, तो आंसर विंध्याचल पर्वत होगा। मेरे प्यारे साथियों, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में थी, मांडव की पहाड़ियां गुजरात में थी, इसी सतपुड़ा के पीछे आते हैं तो महादेव की पहाड़ी आती हैं भैया। मेरे प्यारे साथियों, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं मैं, याद बहुत ज्यादा आपको रखना है इस बात को। इसी के भैया मैकाल आता है, फिर राजमहल की पहाड़ी, इसी विंध्याचल की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, वो सॉरी मध्य प्रदेश और हमारे यूपी से थोड़ी बहुत सीमा लगाती है, उसे कैमूर की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं। ये क्रम लगाने के लिए पूछा गया था कि नहीं, बताइए भैया उत्तर से दक्षिण क्रम लगाएं, तो मैकाल, महादेव, इसी महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ की चोटी पंचमढ़ी स्थित है, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। याद रख लेना भैया, इतना ज्ञान हम बांट रहे हैं, अच्छा लगे तो भैया थम्स अप और शेयर कर देना।
हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक, जब भी पहला शब्द लग जाए तो सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। भैया उषा पाढ़े को बनाया गया है, उषा पाढ़ी नाम है वैसे तो, उषा पाढ़ी नाम है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सर फोटो दिखा देते हैं मेरे प्यारे साथियों, बड़े आ गए बिल्कुल। हाल ही में टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सबने पेपर पढ़ा है, सबको पता है भैया, सेरेना विलियम्स बनी है, अमेरिका की रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों, सबको पता है इनको, भैया दुनिया जानती है, तो आप क्यों नहीं जानते होंगे मुझे ऐसी आशा है। इन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिवस पर भैया शुभकामनाएं दी हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता? ये भैया सितंबर में 12 सितंबर को खत्म होगी, तब भी हम बताएंगे क्या होती है, ये चर्चा कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों। सवाल बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 4 होती है पूरी साल में, याद रख लेना, पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरी फ्रेंच ओपन, तीसरी विंबलडन, चौथी यूएस ओपन होती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो जनवरी के माह में होता है 18 से 31, फ्रेंच ओपन मई से जून तक होता है, विंबलडन भैया 21 जून से 4 जुलाई तक होता है, यूएस ओपन 30 अगस्त से 12 सितंबर तक होता है। इतना महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, आपके अंदर आलस तो कूट कूट करके भरा है। ये पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है वो जनवरी में तो होता है, किस कोर्ट पर खेला जाता है? इसे हम हार्ड कोर्ट कहते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, ये हार्ड कोर्ट है तो ये भी तो हार्ड कोर्ट दिख रहा है। आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। भैया फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये बिल्कुल मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है भैया, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, मिट्टी का कोर्ट है। ये विंबलडन कहाँ पर खेला जाता है? हमने कहा ये ग्रीन ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। इतना सवाल भैया, यहाँ से सवाल मल्टीपल टाइम पूछे जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये क्रम याद कर लिया ना काम सेट हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम एक प्रतियोगिता है, इसमें ये 4 खेल खेले जाते हैं। जनवरी में सबसे पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा फ्रेंच का, तीसरा विंबलडन का, चौथा यूएस ओपन का। महीना भी लिख दिए हैं, कोर्ट भी बता दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएस हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है, ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। आइए सर शुरू करते हैं आगे वाला सवाल। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजादी ट्रॉफी किसने प्राप्त की थी? मैंने भैया देखना, मैंने अलग स्पेशल सेशन लिया है, फिर भी मैं आपको रटाने की, क्योंकि यहाँ सवाल आएगा। कल मैंने आपको पूछा था भैया, आज भी सवाल यही पूछ रहा हूँ, उसी से मैंने बताया है, पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। ये वाला हमने सब पूरा डाटा आपको बताया था, सब लिख करके दिया था, पढ़ लेना ठीक है सर। बढ़ जाए आगे, 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये सारा ज्ञान हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना भैया, और मिलेंगे शाम को भैया 7 बजे फिर 8 बजे धमाकेदार तरीके से। तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए भैया, आराम से मिलेंगे भैया, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।